का दर्शकों हमारे इस नए कार्यक्रम आवाहन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दुनिया में हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ताकि हमारे जीवन में धन संपदा आए माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं ताकि हमें शक्ति मिले हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कभी वैभव का कभी संबंधों का या किसी व्यक्ति का अपने जीवन में आवाहन करता है कभी उसे सफलता मिलती है कभी असफलता हाथ लगती है पर जब उसे असफलता मिलती है तब वो अपनी समस्याओं को हल करने में जुट जाता है उसकी तलाश जारी हो जाती है कि किस तरह वो अपनी समस्याओं से बाहर निकले हर व्यक्ति जीवन में ये चाहता है कि कोई उसे ऐसी मास्टर की मिल जाए जिससे उसकी सारी समस्याओं का निदान हो जाए तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे हम आपके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा दे सकें तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक अनुभवी शख्सियत साथ है हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी उषा दीदी उषा दीदी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू तो आइए इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं दीदी जैसा कि कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ तो आज हमारा पहला सवाल उसी से है दीदी हमारे पास एक ईमेल आया है मुंबई uh, से जतिन जी का है जिनका प्रश्न ये है कि वो है तो एट्थ स्टैंडर्ड में लेकिन ट्यूशन लगने के बावजूद भी उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें ऐसा क्या समाधान दें जिससे वो कंसंट्रेट कर सकें बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ और जतिन जी आपका जो प्रश्न है क्या पढ़ाई करते हैं ट्यूशन लगे हुए हैं उसके बावजूद भी आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और इसीलिए आपका मार्क्स कम आता है तो पहले तो आपको ये एनालाइज़ करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन किन्हीं और विचारों में भटक रहा हो कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं अंदर की एक इच्छा है और क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हुई है इसीलिए वो मन उसी दिशा में बार बार न चाहते हुए भी चला जाता है पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं आप खुद भी पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन उस वक्त कहीं मन चला जाता है और आपका ध्यान ही नहीं है कि कहाँ जाता है किस दिशा में चला गया क्योंकि अक्सर जब ये व्यर्थ के चिंतन में व्यक्ति जाता है तब उसका कंसंट्रेशन ख़त्म होता है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो आपके अंदर की ख्वाहिशें हैं अपने समय पर आप ही पूरी होंगी क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो पूरी होनी ही है आप कर सकेंगे ऐसी क्षमता आपके अंदर आएंगी इसलिए बेहतर है कि उन बातों को आप बहुत ज़्यादा सोचें नहीं उन चिंतन में अभी नहीं जाओ लेकिन आप ये सोचो कि मेरा मन इस वक्त इस पढ़ाई में बहुत जरूरी है हो सकता है कि आदत के कारण बार बार चला जाएगा लेकिन फिर फिर उसको वापस खींच के ले आओ अटेंटिव रहो ध्यान के ऊपर अपना और उस ध्यान को फोकस रखो उसके लिए बहुत सहज अभ्यास अगर है तो इस आध्यात्मिक मार्ग में हम यही कहते हैं कि एक आत्म स्थिति में आप अपने मन को टिकाने का प्रयास करो जब जब आप आत्मिक स्थिति में हो जाते हो और उसमें अगर आप चले जाएंगे तो कितनी देर आप उसमें रह सकते हो ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस की जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत मदद करेगी अपने फोकस को बनाए रखने के लिए और फिर उसी प्रैक्टिस को आप पढ़ाई के अंदर यूज कर सकते हैं एक बात समझ लो कि जो आप कर्म करेंगे जैसा कर्म करेंगे फल मिलना है ये तो हर एक जानता है भी मानता भी है और इसलिए वो तो फल जो है वो परछाई की तरह है वो परछाई की तरह उसके पीछे पीछे आना है लेकिन अभी से अगर ख्याली विचार कहे या ख्वाबी विचार कहे उसमें अगर आप मन को भटकाते रहेंगे तो आप ना अच्छा कर्म कर पाएंगे और ना वो फल हासिल हो सकेगा इसीलिए आप अपने उसमें फोकस्ड रहो कि मुझे इस वक्त क्या करना है और उस पर फोकस्ड रहने से आप जो जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं जो जीवन में हासिल करना चाहते हैं सब कुछ आपको प्राप्त होगा ये अनुभव है और उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस को आप प्रैक्टिस करिए जितना सोल कॉन्शियसनेस आप डेवलप करेंगे थोड़ी देर के लिए भी आप ये अभ्यास आरंभ करो अर्ली मॉर्निंग आवर्स बेस्ट आवर्स आप जब उठते हैं थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ इस विचार में अपने मन को टिकाए और उस विचार में जब आप टिकाते हैं फोकस्ड रहते हैं धीरे धीरे पाँच मिनट फिर सात मिनट फिर दस मिनट इस तरह से आप समय बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा हाँ दुनिया के अंदर प्रलोभन बहुत है विचारों को खींचने वाली बातें बहुत है और उन बातों को अभी आप ध्यान नहीं दो यही बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं अपने माइंड को फोकस्ड रखूं और तब आसानी से उन सब बातों को हासिल करना आपके लिए सहज हो जाएगा मैं समझती हूँ बिल्कुल जतिन जी को उनकी इस समस्या का हल मिला होगा कि हम कैसे कंसंट्रेट करें खुद को पहले तो एक पॉजिटिव कॉन्शियसनेस यदि मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल चाहूंगी कि एक नई चीज है ये सोल कॉन्शियसनेस तो थोड़ा सा इसमें बताइए कि हम स्टूडेंट्स उसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक होता है कैसे पता चलता है हमें ये बहुत ईगोइस्टिक है तो जैसे ही वो व्यक्ति के बोल चाल में एक रोब रुआब आने लगता है और इस तरह से वो बात करता है जैसे दूसरे छोटे हैं मैं ही सबसे बड़ा हूँ अच्छा हूँ उस भाव को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक है तो ईगो कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाए वो तो इतना ईगो कॉन्शियसनेस है इसीलिए अपने आप को सुपीरियर मानने लगा है दूसरों को इन्फीरियर समझने लगता है ठीक इसी तरह सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आत्मा के कुछ निज गुण हैं, जैसे हर चीज का अपना एक गुण धर्म है पानी का गुण धर्म है शीतलता अग्नि का गुण धर्म है गर्मी तो पानी का गुण धर्म जो शीतलता है अग्नि का गुण धर्म गर्मी है कितना भी पानी को उबाल लिया जाए रख दिया जाए फिर से अपने शीतल स्वरूप में आ जाता है ठीक इसी तरह आत्मा के भी कुछ गुण धर्म है जिसमें जब व्यक्ति स्थित हो जाता है अपने मन को उसमें स्टेबिलाईज कर देता है तो फिर उस भाव को वो स्वतः अपने कर्म में मानसिक स्थिति के अंदर व्यवहार के अंदर हर बात में उसको प्रवाहित होने देता है और इसलिए ये हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति कभी गुस्सा करने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं करता है हाँ। जब वो शांति में है तो कंफर्टेबल फील करता है जब व्यक्ति खुशी में है तो कंफर्टेबल फील करता है लाइट फील करता है जब उदासी में है तो कभी कंफर्टेबल फील नहीं करता है तो जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसमें स्थित होने से व्यक्ति कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसमें जब मन को स्थिर कर देता है तो उसमें कंफर्टेबल फील करता है तो इसी का नाम है सोल कॉन्शियसनेस और जब इस तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स को प्रवाहित होने देता है अपने कर्म में व्यवहार में विचारों में भावनाओं में तो उसको कहते हैं ये सोल कॉन्शियस है तो जैसे ईगो कॉन्शियस स्पष्ट हो गया है जी जी. हम बहुत सहज तरीके से पहचान सकते हैं इसी तरह सोल कॉन्शियसनेस भी स्पष्ट हो जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी स्वतः फ्लो होने लगती है ये सोल कॉन्शियस क्योंकि आत्मा अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी है जी. तो इसलिए जब वो पॉजिटिव क्वालिटीज फ्लो होती है तो इतनी अच्छी फीलिंग में हम रहते हैं उस समय वो इच्छाएं, वो प्रलोभन वो आकर्षण उससे हम अपने आप को समेट सकते हैं और फोकस्ड रह सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि सोल कॉन्शियस के भाव में जब अपने मन को रखेंगे और स्टडी करेंगे जी तो उससे फोकस्ड रहना आसान हो जाएगा कंसंट्रेशन पावर उसका बढ़ेगा और ये अभ्यास बहुत जगह मदद भी करता है Uh, मतलब अगर एक अगर हम इजी वे में बोले तो सोल कॉन्शियसनेस मतलब एक खुद को पॉजिटिव थिंकिंग देना hmm. एक अच्छे विचारों से मतलब खुद को भरना जी पॉजिटिव थिंकिंग ही खाली नहीं hmm. लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स में फीलिंग्स भी ओके okay. hmm. उस एनर्जी को फ्लो होने दें उस एनर्जी hmm. को प्रवाहित होने दें okay. जैसे व्यक्ति गुस्सा करता है तो कितनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है आसपास वाले भी फील करते हैं कितना नेगेटिव है ये तो वो भाव वो विचार खाली नहीं है वो भाव वो फीलिंग्स के अंदर वो चला जाता है तभी डिस्टर्ब हो जाता है माइंड लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेगा तो रिलैक्स्ड भी रहेगा फोकस्ड भी रहेगा मतलब बिल्कुल मैं समझती हूँ जतिन जी को अब तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमें कंसंट्रेट करना है पढ़ाई के ऊपर और अगर कंसंट्रेट हो गया तो फिर तो डेफिनेटली मार्क्स तो बहुत अच्छे आने ही हैं दीदी अपने बहुत इजी वे में एक सभी के लिए सिर्फ जतिन जी के लिए नहीं कि क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं या जो बिजनेस में भी हैं बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि और मेन बात ये है कि पॉजिटिव फीलिंग्स में जितना रहेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज uh, करेगा रिलीज करेंगे और जितनी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होंगी तो सक्सेस भी एक पॉजिटिव है जी बिल्कुल तो सक्सेस वही अट्रैक्ट होता है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी हो और वो सक्सेस हमें सुखदाई हो जाएगा वैसे कई लोग नेगेटिव uh, तरीके अपना करके भी सक्सेसफुल होते हैं लेकिन वो सक्सेस सुखदायी नहीं है एक कंसंट्रेशन की बहुत कमी हो जाती है एकाग्रता एकाग्र नहीं हो पाता है मन हमारा तो इससे हम इजीली खुद को एकाग्र कर सकते हैं दीदी जी हमारा आ, जो सेकेंड क्वेश्चन है आ, शिल्पा जी का है उनका पत्र आया बिहार से उनका कहना है कि वो खुद को कभी कभी बहुत इनसिक्योर फील करती हैं उसका कारण है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं हर बात में इंक्वायरी कहाँ से आए कहाँ गए थे क्यों गए थे किसके साथ गए थे किसका फ़ोन है इस तरह बहुत सारे सवाल करते हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं तो उनका कहना है कि इस तरह से तो मैं कभी भी उनके विश्वास के लायक नहीं बन पाऊँगी क्या वो मुझ पर विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा है कि ये शायद शिल्पा जी का क्वेश्चन अकेली का नहीं है लेकिन आजकल कई यूथ का ये सवाल हो सकता है क्योंकि नेचुरल है कि समय ऐसा है जी। और समय का प्रभाव जितना पड़ता है तो शिल्पा जी आप खुद अकेली इनसिक्योर नहीं हैं लेकिन आपके माँ बाप भी शायद इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि समय ऐसा है समाज ऐसा है और सामाजिक तत्व कहीं ऐसे है, बन हैं बन गए हैं कि जहाँ लड़कियों के लिए अकेली अगर चली गई तो हो सकता है कि वो अपने एक भोलेपन में होती है इतनी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए शायद माँ बाप को ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहे तो उसमें तो आप ये समझो कि माँ बाप का प्यार समाया हुआ है जब इस पॉजिटिव कॉन्टेक्ट से लगेंगे तो आप इरिटेट नहीं होंगे क्योंकि आपके माँ बाप जो है आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी गलत संगत में आप आ जाओ क्योंकि आज की दुनिया बाहर में इतनी आर्टिफिशियल हो गई है या इतनी जैसे शुगर कोटेड हो गई है और इसलिए जहाँ वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड होते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर अंदर का जहर कभी कभी बाहर निकलता है और उस समय व्यक्ति को बहुत देर हो जाती है समझने में कि सही में जिसको उसने सही माना था वो तो गलत निकला है ना? और इसीलिए शायद माँ बाप नहीं चाहते हैं कि जब तक आप इतने समझदारी की स्टेज में आ जाओ जहाँ अच्छाई बुराई को अच्छी तरह से परख सको दुनिया को अच्छी तरह से समझ सको तब तक वो चाहते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है नहीं तो कल को अगर कुछ भी हो जाए तो बच्चे ही माँ बाप को कोसने में भी देर नहीं करते हैं कि चलो हम तो इनोसेंट थे हमको मालूम नहीं था लेकिन आपको तो ध्यान रखना चाहिए आप तो जानते थे तो इसलिए वो माँ बाप पहले से ही या उन्होंने कई आसपास या उनके संबंधों में कई जगह ऐसी बातें पढ़ी भी है सुनी भी है कि जिनके बच्चे कहीं ना कहीं कोई प्रकार के शिकार हो गए तो इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं हमें इतना तो मालूम होना चाहिए एक हमारा हक है अधिकार है तो इसलिए आप ये मत समझो कि हम पर विश्वास नहीं है आप पर विश्वास है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप एक भोलेपन के स्वरूप में क्योंकि कुछ एज तक बचपना एक रहता ही है और इसलिए जब तक कुछ एज तक वो बचपना रहता है तो बहुत सहज स्वाभाविक टेंडेंसी होती है कि उस और खींच जाने की और इसलिए जैसे कहा समाज ऐसा है समय ऐसा है कि जहाँ चारों ओर ऐसे तत्व है तो इसीलिए लिए माँ बाप ये समझते हैं कि जब तक हमारी जिम्मेवारी है फिर जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी उसके बाद तो वो इंटरफियर नहीं करेंगे मैं ऐसा समझती हूँ लेकिन कहाँ ना कहाँ उनका प्यार है इसलिए आप बुरा मत फील करो हर्ट मत फील करो अपने आप में और आप ये समझो कि नहीं आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे माँ बाप मिले हैं जो कम से कम आपको समय दे रहे हैं आपके बारे में जानकारी वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं और इसीलिए जैसे एक दोस्त को आप हर बात दिल की सुनाते हैं मन की बातें सुनाते हैं इसी तरह वो भी आपके दोस्त बनना चाहते हैं शायद ताकि आप उनके साथ खुल के सारी बातें कर सको तो ऐसे माँ बाप आपको मिले हैं क्योंकि आज की दुनिया के अंदर कहीं ऐसे माँ बाप हैं पैसा दे देते हैं बच्चों को सब कुछ दे देते हैं चीज़ वस्तु दे देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं या उनके बारे में उनको जानने की न इतनी इंटरेस्ट है न उनके पास फुर्सत है कि वो जाने के उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपने तो ऐसी बातें देखी नहीं होंगी सुनी नहीं होंगी लेकिन हमारे पास तो कई ऐसे बच्चे आते हैं मुंबई से या ऐसे जगह से बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ से बच्चे आते हैं वो कहते हैं हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं उनको जानने की जरा भी ना इंटरेस्ट है ना फुर्सत है बाक़ी हाँ हम जब हमें जब चाहे पैसा दे देते हैं चीज़ें दे देते हैं लेकिन ये प्यार तो नहीं है कम से कम हम भी समझते हैं कि वो हमारे में भी इंटरेस्ट लें हम भी इंसान हैं उनके बच्चे हैं हमारे में इंटरेस्ट ले ऐसा चाहते हैं तो इसीलिए हम तो शिल्पा जी आपको यही कहेंगे कि आप लकी हो कैसे माँ बाप मिले हैं जो आपके साथ दोस्ती का संबंध निभाना चाहते हैं और इसलिए शायद पूछताछ कर रहे हैं आप जहाँ रहती हैं शायद हो सकता है कि उस शहर के अंदर ऐसा माहौल हो आप उससे अज्ञात हो लेकिन हो सकता है कि आपके माँ बाप उससे काफ़ी वाकिफ होंगे और इसलिए तो हर बात को नेगेटिव उठाने के बजाय मैं तो आपको यही कहूँगी और यही सलाह दूँगी कि कलियुग की दुनिया है ये और इस कलियुग की दुनिया में क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती है और ऐसे समय में आपको अगर इतने अच्छे माँ बाप मिले जो आपके लिए केयरिंग है तो उसको आप बंधन नहीं समझो लेकिन आप जितना खुल कर उनसे बात करेंगे तो शायद उनको भी एक ऐसा विश्वास आप पर आ जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप खुल करके उनके साथ सब बातचीत करेंगे शेयर करेंगे तो लेकिन जहाँ उनको ये फीलिंग आएंगी कि आप कुछ छुपा रहे हैं तो उस समय उनको जैसे एक डर सताने लगता है कि ये सही बात या पूरी बात मेरे पास आई है तो इसीलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप भी दोस्त बन जाओ अपने माँ बाप के साथ में और दोस्त बन कर के उनके साथ हर दिल की बात शेयर करो आपका दिल उनके सामने खोल के रख सकते हैं आप वो कभी बुरा माइंड नहीं करेंगे ऐसा मैं मानती हूँ और इसीलिए जब ऐसी बात करके आप खुल कर के बात करेंगे वो गाइड भी करेंगे आपको और साथ ही साथ फिर धीरे धीरे उनको विश्वास हो जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं वो वो कहीं भी जाएंगे लेकिन आकर के हमें सब कुछ सुनाएंगे तो इसीलिए जब ऐसा विश्वास उनको हो जाएंगा जब आप खुल करके एक एक बातें करने लगेंगे तो उनको शायद आपके प्रभु इतना विश्वास हो जाएगा कि अगर वो गलत भी कर रही होंगी ना तो भी मुझे बताएंगे कि मेरे से ये गलती हो गई जैसे मुझे याद आता है कि मैं जब छोटी थी तो मैंने अपना एक स्वभाव बना दिया था क्योंकि मैं जब नहीं बताती थी पहले कि मेरे से ये टूट गया फूट गया है छोटी सी चीज लेकिन टूट गया फूट गया और मेरी छोटी बहन जाकर के माँ को सुना देती थी तो तब वो मुझे डांटते थे मान लो फिर मैंने सोचा वो क्यों सुनाए मालूम तो पड़ना ही है घर में कोई भी बात छुपी तो रहती नहीं है एक छोटी सी ही मैं बात बता रही हूँ लेकिन जैसे मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि वो क्यों जा कर के सुनाए मेरी बात मैं ही क्यों ना सुना दूँ बिल्कुल इसीलिए जब मेरे से कोई चीज़ टूट जाती थी फूट जाती थी वो जाए उसके पहले मैं क्या करती थी वो चीज़ वैसे ही छोड़ देती थी और पहले जा कर के मैं बता के आती थी कि मेरे से ये गलती हो गई आज मेरे से ये टूट गया हाथ से स्लिप हो गया तो मेरी माँ कहती थी कोई बात नहीं कोई बात और फिर मैं जाकर के वो सारी चीज सफाई कर लेती थी और उसको समेट देती थी जब मेरी बहन देखती थी वो जाती थी दौड़ करके माँ के पास के बताने के लिए कि इससे ये टूट गया ये फूट गया तो मेरी माँ कहती थी हाँ मुझे पता है <laughs> तो फिर मुझे डांट नहीं पड़ती थी है ना तो इसी तरह घर के अंदर की कोई भी बात होगी बाहर से अगर पता चलती है माँ बाप को तो उनको फील, फील भी होता है और उनको ये अंदर में आता है कि मेरे बच्चे मेरे से छिपाते हैं इसीलिए वो इन्क्वायरी करने का प्रयत्न करते ताकि आप सारी बात उनके सामने खोल के रख दो तो हम तो यही कहेंगे कि कोई दूसरा कहे उसके बदले अगर छोटी सी गलती भी हो गई होंगी माँ बाप क्षमा के सागर है क्षमा करने वाले ही होते हैं इसलिए जब उनको पहले से आप बता दो तो जब कोई बाहर वाला सुनाता भी है मिर्च मसाला ऐड करके अगर सुनाता भी है तो भी उनको पता रहता है और वो कहते हैं नहीं वो बात मुझे पता, पता है।, है।, है तो जब ये कह देते हमें पता है सामने वाले को और एक्स्ट्रा बोलने की मार्जिन नहीं रहती है और इसीलिए उसमें अपना भलाई ही समझो आप तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ ऐसी फ्रेंडशिप बना लो कि आप हर मन की बात वहाँ तक के आप अगर, अगर, अगर अपने मन के विचारों को भी शेयर करने का आरंभ कर देंगे उनके साथ में कि मेरे को ये विचार आया मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो उसके बाद आपके माँ बाप को इतना विश्वास आपके प्रति आ जाएगा कि वो समझ जाएंगे कि जब मन की हर बात भी मेरे साथ शेयर करती है मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है तो जितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो ट्रांसपेरेंसी आपको और करीब ले आएंगी और उससे आप आने वाले समय में महसूस करेंगे कि सचमुच आप कितने लकी हैं जब आप दूसरे दु, बच्चे की बातें सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं है वो कुछ भी बात सुनाना चाहते हैं अपने दिल की बात कहना चाहते उनके पास कोई नहीं होता है आप अपना रवैया ही ऐसा बना दो जो वो अपने आप ही विश्वास करने लग जाए ऐसा पॉजिटिव तरीके से आप उनके साथ पेश आ जाओ कि जिससे उनके अंदर ये विश्वास बन जाएगा कि हाँ मेरे से कुछ भी छिपा नहीं है उनकी पर्सनालिटी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो कभी कोई बात हमसे छुपा नहीं सकती है मतलब जो कहते हैं ना कि माँ बाप से बेहतर दोस्त हमें कभी नहीं? नहीं मिल सकता है हाँ जी। तो अगर हम आगे से रहकर उन्हें अपने मन की बातें बता देते हैं उनसे शेयर करते हैं तो हम भी रिलैक्स रहेंगे और धीरे धीरे अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो आप पे अविश्वास कर रहे हैं तो चूँकि आप उन्हें आगे रह बता रहे हैं तो वो विश्वास भी करेंगे और शायद आपसे पूछताछ कम भी कर दे ताकि आपको बुरा ना लगे बाकी माँ बाप का हर रूप में हमें सिर्फ प्यार ही मिलता है और भी बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन चूँकि हमारे पास समय कम है तो दीदी मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी नमस्कार आप हमारे साथ स्टूडियो में आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शकों अपने प्रश्न हमें फ़ोन द्वारा पत्र द्वारा या ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं